दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि आजकल सभी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गीजर से गैस गीजर का हमारे घरों में यूज़ होता है। तो दोस्तों कई बार कई गीजरों में इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, गीजर हम चालू करते हैं चालू होता है बाकी जो फ्लेम है एक बार भी नहीं जलती है। उस कंडीशन में इसे किस टाइप से चेक करना है, ठीक करना है, इसके बारे में पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यदि गीजर आपका इस टाइप का है कोई भी हो, तो सबसे पहले जो इसकी नॉब लगी हुई है तीनों नॉबों को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन आप देख रहे हैं विद भारत जांगिड़। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए गीजर को हमने जो कैबिनेट है यहाँ पर खोल दिया है। इसके बाद में ये जो कनेक्शन लगे हुए हैं स्विच के, जो इसका स्विच लगा हुआ है ऊपर वाले पार्ट में, इसको यहाँ पे इसकी जिक है, दोनों जिक हमने यहाँ पर निकाल दी है। इसके बाद में दोस्तों देखिए ये जो गैस वाली जो पाइप होती है हमारी, गैस इनलेट का जो पाइप है, इसके अंदर ध्यान से देखिए यहाँ पर हम जैसे ही गैस ये देखिए अंदर की तरफ रिले का जो आपको रबड़ दिखाई देगा ब्लैक कलर का वाइट, और ये ऊपर की तरफ उठना चाहिए जैसे ही हम गीजर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए आप इस टाइप का कोई भी पेचकश वगैरह लेकर जो हमारी जिक होती है इसको शॉर्ट करेंगे तो गीजर हमारा ऑन हो जाएगा जहाँ से हमने स्विच के कनेक्शन हटाए। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए एक्स्ट्रा जो रिले है उसको आप यहाँ पर लेकर चेक कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए सर्किट का जो ऑन ऑफ वाला जिक है उसको शॉर्ट करेंगे और गीजर स्टार्ट हो रहा है हमारा। बाकी ये देखिए रिले बिल्कुल नीचे की तरफ दबाने के बाद में बिल्कुल नीचे चिपक के रहना चाहिए, बाकी जो रिले है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों दो तो रिले हमारी ख़राब हो नहीं सकती, तो इसके लिए देखिए रिपेयरिंग का जो सीक्रेट है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सभी गीजरों में जो हमारा जो गर्म पानी का आउटलेट पाइप होता है उसके ऊपर इस टाइप का थर्मोस्टेट लगा हुआ मिलेगा आपको ऑटो कट, जिसके अंदर दो थिम्बल लगी होती हैं, उनको हमने यहाँ पर निकाल दिया है। इसके बाद में मल्टीमीटर से या सीरीज से आप इसको चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखा है हमने, तो इसके बाद में इसके अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो हमारा मीटर का सुई है बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, और ये देख पा रहे हैं मीटर हमारा बिल्कुल ओके है, और जो हमारा ये थर्मोस्टेट है ये बिल्कुल कट ऑफ की कंडीशन में गया हुआ है या फिर ये ख़राब हो गया होगा। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले हम खोल देंगे। तो इसको खोलने के बाद में तो दोस्तों ये बिल्कुल हीट प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, जैसे ही किसी कारण से हमारा जो गीजर है बंद नहीं होता है या फिर ज़्यादा गर्म पानी आता है तो ये ओवरहीट कंट्रोल करके गीजर को बंद कर देता है यहाँ पर। और ये देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो देख पा रहे हैं बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, कभी कभी इसके अंदर हल्की सी आ जाती है, बाकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो हमारा जो सर्किट है रिले को ऑन नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, और यदि आपके पास ये पार्ट अवेलेबल नहीं है तो दोनों थिम्बल को आप डायरेक्ट करके गीजर को यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केट के अंदर आपको काफ़ी आसानी से इस टाइप का जो थर्मोस्टेट और सभी स्पेयर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर के ऊपर ये कट ऑफ हो जाता है, और इसको लगभग कीमत की बात करें तो लगभग आपको 50-60 रुपए के अंदर अच्छी क्वालिटी का जो थर्मोस्टेट है मिल जाता है। और इसको भी एक बार मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ इसकी जो कंटिन्यूटी है किस टाइप से आती है। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों थिम्बल के ऊपर मीटर की जो लीड है हमारी लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल मीटर की जो सुई है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फुल जा रही है जैसे ही हल्का सा टच कर रहे हैं हम, तो कंटिन्यूटी इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी आनी चाहिए, वरना जो आपका गैस गीजर है उसके अंदर फ्लेम नहीं जलेगी, क्योंकि ये जो हमारा जो थर्मोस्टेट यहाँ से सिग्नल नहीं देगा कंटिन्यूटी नहीं देगा तो जो हमारा सर्किट है वो हमारी रिले को ऑन नहीं करेगा बिल्कुल भी। बाकी कई गीजरों में सिर्फ एक बार रिले ऑन होते ही तुरंत ऑफ हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो सभी जो कंपनी है सबका जो सर्किट का सिस्टम है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए
हीट प्रूफ वायर इसमें दिए हुए हैं ताकि फ्लेम से ये जले नहीं। और ये जो हमारी रिले है यहाँ पर लगी हुई है, इस रिले को यहाँ पर देखिए, चेक करेंगे अब। बाकी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी उठी हुई रिले नीचे की तरफ नहीं जाएगी बिल्कुल, थोड़ा सा आपको हल्का सा टच करके नीचे प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद में ये देखिए रिले बिल्कुल अपने आप, ये देखिए मैग्नेट बनाकर चिपकी रहेगी। तो बिल्कुल हमारी रिले, दोनों ही रिले ठीक है। इसको हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगाया था, तो इसको रख देते हैं हम साइड में। और इसकी जो रिले लगी हुई है गीजर की, उसका जिक हम उसके अंदर लगाएंगे। और इसको भी यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका रिले भी अब हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर दोबारा आप चेक करके देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसमें यहाँ से गैस भी जाएगी क्योंकि रिले ऑन ऑफ हो रहा है आराम से, और गीजर तो हमारा ऑन पहले भी हो रहा था। तो चलिए जो हमारे स्विच के मेन स्विच है इसका, उसके कनेक्शन यहाँ पर हम कर देते हैं। तो दोनों जिक लगा देंगे, एक जिक हमारा मैग्नेट स्विच के ऊपर जो कि हमारा इनलेट, जो वाटर इनलेट पाइप है उसके ऊपर लगा हुआ है। सिर्फ दो ही स्क्रू है इसमें, ऊपर की तरफ लॉक दिए हुए हैं कैबिनेट के अंदर। और जो नॉब है तीनों नॉब यहाँ पर लगा देंगे। तो जो नीचे वाली दोनों नॉब है वो हमारी लग चुकी हैं, तीनों नॉब लग गई हैं और गीजर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर स्विच से ऑन ऑफ भी कर चेक करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा जो गीजर है वर्क कर रहा है, ऑन ऑफ स्विच से भी पूरा वर्क कर रहा है। तो गीजर हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए वो रिले हमारी बिल्कुल वर्क कर रही है, गीजर बिल्कुल ओके हो गया है और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इस गीजर के बारे में किसी भी इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, किसी भी होम अप्लाइसेंस की, मोनोब्लॉक की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो और दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।